अभी पूरा देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रहा है, पूरी दुनिया भारत की ओर देख रहा है और पूरा देश नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रहा है। जो विकास पुरुष के रूप में उन्होंने विकास किया इस देश का, मुझे लगता है कि आज दुनिया भारत की ओर मुखातिब है। और इसलिए मैं लगातार कई देश के कई राज्यों से घूम के आ रहा हूँ, जो गुजरात के अंदर चुनाव हो रहे हैं, जो हिमाचल में चुनाव हुए हैं, हम दोनों में काफ़ी बढ़त में है और काफ़ी दो तिहाई बहुमत से वहाँ विजय प्राप्त करेंगे। और जहाँ तक बिहार में उपचुनाव की बात है तो बिहार के उपचुनाव में भी जो कुर्ली में उपचुनाव हो रहा है, यहाँ भी हम उसमें विजय प्राप्त करेंगे भारतीय जनता पार्टी। जहाँ तक बिहार के अंदर जो मैं बार बार कहता हूँ कि पिछले दो दिन के अंदर, मैंने कल भी रोहतास में कहा, आज भी कह रहा हूँ, बिहार सरकार पूरी तरह से और मुख्यमंत्री नपुंसकता के शिकार पर चले गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दो दिन से हत्याएं हो रही हैं, दो दिन से लोगों को खुल करके लोगों को, लेकिन सरकार संवेदनहीन है पूरी तरह से। महिलाओं पर हत्या, महिलाओं पर अरबल के अंदर दो दो घर में गलत नीयत से घुसा और दोनों महिलाओं का हाथ, उसकी माँ का भी और उसका भी, मतलब जला करके पेट्रोल से जला दिया गया। ये क्या जंगल राज नहीं तो क्या है? ये जंगल राज की वापसी ला करके बिहार सरकार के मुख्यमंत्री अपना पीठ थपथपा रहे हैं। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कहलगांव के अंदर पीरपैती में कल ही 48 घंटे के अंदर में 6 घटनाएं लोमहर्षक घटनाएं हुई है। 3 घटनाएं कल हुआ और 1 घटना परसों और 2 घटना उसके बाद, लगातार 6 घटनाएं बिहार में लोमहर्षक घटना घट रही है। किंतु मुझे लग रहा है कि सरकार हाथ थपथपा रही है और अपने, इसलिए मुख्यमंत्री जी हाथ पैर अब फूलना बंद करिए। आपसे अब बिहार चलने वाला नहीं है। बिहार का जो आपने दुर्गति किया है, बिहार से निजात दिलाइए और आप इस्तीफा दे करके बस अपना तपस्वी का राज्य